Hello everyone, I welcome you all in the second lecture on topic time, speed and distance. I hope you all have watched the first lecture. If not, go watch it first, as it was the foundational video which you cannot afford to miss out. So today we are going to continue solving more variety of questions that could be asked from proportionality, which is going to be very beneficial for your placement examinations. So that's the agenda. Let us move forward. So look at the first problem for today's session. Again, this is a question based on proportionality, type 1. Let's read the question. If a person increases his speed by 20%, he reaches his destination 8 minutes early. What is the time that he usually takes? Now, in order to answer this question, again, the first thing which I want you to do is, I want you to identify out of the three variables. What three variables? Distance, speed, and time. In tino mein se, kaun sa variable constant hai? So, after reading this information, you would say, sir, distance constant hai. और क्योंकि डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, यू ऑलरेडी नो हाउ स्पीड एंड टाइम आर रिलेटेड व्हेन डिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट. तो बोलोगे सर स्पीड और टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. और क्योंकि स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उनके रेशियोज भी उसी तरीके से बिहेव करेंगे. अच्छा, एक बार ये स्टेटमेंट रीड करो. इफ अ पर्सन इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 20%, isn't it commonsensical? अगर मैं अपनी स्पीड को 20% से बढ़ाऊंगा ओवर द सेम डिस्टेंस, ओवर द सेम स्ट्रेच, आज मैं कम टाइम लूंगा और इसी वजह से आज मैं अपनी डेस्टिनेशन 8 मिनट पहले पहुंच जाता हूं. तो जो भी डेटा लिखा हुआ है, इट इज मेकिंग सेंस हियर. सिंस वी आर इंक्रीजिंग स्पीड बाय 20% यूजिंग दिस डेटा, व्हाट आई कैन डू, आई कैन फर्स्ट राइट डाउन द रेशियो फॉर स्पीड्स. तो हम लोग सबसे पहले एक टेबल मेंटेन करेंगे जहां पे हम स्पीड के लिए रेशियो लिखेंगे. अच्छा, किस फॉर्म में हम इस रेशियो को लिखेंगे? इनिशियल टू फाइनल, क्योंकि हमको यहाँ पे स्पीड का कोई भी वैल्यू नहीं पता. सो लेट मी अज्यूम इनिशियल स्पीड ऑफ दिस पर्सन एज 100, क्योंकि मैं परसेंटेज से डील कर रहा हूं और 100 एक अच्छा नंबर है. स्पीड को हमने 20% से बढ़ाया. व्हाट इज 20% ऑफ 100? यू वुड से सर 20% ऑफ 100 इज 20. सो द न्यू स्पीड हैज टू बी 20 मोर देन 100. इट मींस द न्यू स्पीड और द फाइनल स्पीड वुड बी 120. अब हमें क्या करना है? हमें इसका रेशियो लेना है. अगर मैं इसका रेशियो लेता हूं, द रेशियो विल कम आउट टू बी 5:6. आफ्टर सॉल्विंग दिस, 2:5:10 एंड 2:6:12, स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा? 5:6 आ जाएगा. जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, सेम बात का यूज करके अगर मैं तुमसे पूछूं कि स्पीड का रेशियो है 5:6, सो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टाइम? तुम बोलोगे सर टाइम और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उनके रेशियोज भी इनवर्स मैनर में बिहेव करेंगे. तो जस्ट इंटरचेंज द पोजीशंस. अच्छा, यानी कि अगर मैं स्पीड को चेंज करता हूं फ्रॉम 5 to 6, तो टाइम कैसे चेंज होगा? फ्रॉम 6 to 5. सो कैन यू सी, अब मुझे कम टाइम लग रहा है. इसी रेशियो को देख के मैं क्या कर सकता हूं? मैं इनिशियल वैल्यू ऑफ टाइम को 6x अज्यूम कर सकता हूं एंड मैं आज के टाइम को 5x अज्यूम कर सकता हूं. नाउ लुक एट द रियल डेटा व्हिच वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद इन द क्वेश्चन. हमको रियल डेटा क्या बता रखा है कि आज हमको 8 मिनट्स कम लगते हैं. आज मैं अपनी डेस्टिनेशन 8 मिनट पहले पहुंच जाता हूं. लेकिन अगर मैं इस डेटा को कंपेयर करूं, पहले मैं 6x अमाउंट ऑफ टाइम लेता था और आज मैं 5x अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा हूं, तो आज मैंने कितना टाइम सेव किया? तुम बोलोगे सर आज आपने x अमाउंट ऑफ टाइम सेव किया. तो हमारे रेशियोज के अकॉर्डिंग हमने कितना टाइम सेव किया? x. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द टाइम सेव बाय द पर्सन इज 8 मिनट्स. 8 मिनट जल्दी पहुंचने का मतलब मैंने 8 मिनट सेव करे, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 8. वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ x, इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइम दैट ही यूजुअली टेक्स. इट मींस आई हैव टू फाइंड आउट द इनिशियल वैल्यू ऑफ टाइम. द इनिशियल वैल्यू ऑफ टाइम एज पर आवर रेशियो इज 6x. सो लेट अस कैलकुलेट व्हाट इज 6x. सिंपली प्लग इन द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 8 मिनट्स. यू वुड बी एबल टू गेट योर आंसर इज 48 मिनट्स. इन द सेम क्वेश्चन हैड दे आस्क्ड यू कि आज कितना टाइम मैंने लिया. तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ 6x, यू वुड हैव कैलकुलेटेड द अदर टाइम 5x, द फाइनल टाइम. सो 5 × 8 एंड द आंसर ऑफ द सेम क्वेश्चन वुड हैव बीन 40 मिनट्स. अगर उन्होंने क्या पूछा होता, अगर उन्होंने पूछा होता कि मैंने आज कितना टाइम लिया, बट सिंस दे आस्क्ड यू टू फाइंड आउट द यूजुअल टाइम, तो यूजुअल टाइम इज 6x. सो कैलकुलेटेड एंड यू विल गेट योर आंसर. ओके, I hope you were able to understand the solution of this question. If yes, let me show you one more question based on the same type, proportionality. But this is going to be a little different. The speed of two bodies is in the ratio 3:5.
If the difference between the distances covered by them in traveling for the same time is 15 kilometers, find the distance covered by slower body. Now, it's a very easy question. Try to understand. हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमको स्पीड का रेशियो बता रखा है और हमको बोल रहे हैं कि एक बॉडी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में 15 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उन दोनों की डिस्टेंस का डिफरेंस मुझे गिवन है जो कि कितना है 15 किलोमीटर है. सो वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय स्लोअर बॉडी. सिंस दे हैव यूज्ड स्लोअर एंड फास्टर बॉडी इन द क्वेश्चन, सो आई एम गोइंग टू यूज द सेम टू टर्म्स टू डिनोट द वैल्यूज. तो मुझे क्या पता है, मुझे दोनों बॉडीज के लिए स्पीड का रेशियो पता है, स्लोअर बॉडी एंड फास्टर बॉडी का रेशियो पता है. अच्छा, इस रेशियो को देखो और मुझे बताओ कि इसमें से कौन सी स्पीड स्लोअर बॉडी की होगी और कौन सी स्पीड फास्ट बॉडी की होगी. तुम बोलोगे सर जो छोटा वैल्यू है दैट मस्ट बी द स्पीड फॉर स्लोअर बॉडी और जो बड़ा वैल्यू है इट मस्ट बी द स्पीड ऑफ फास्टर बॉडी. सो द रेशियो हैज टू बी रिटन इन दिस ऑर्डर 3:5. अगर स्पीड का रेशियो 3:5 है, प्लीज रियलाइज वन थिंग. In this particular question, if I ask you, out of the three variables, distance, speed and time, what is constant here? Distance, speed or time में क्या constant है? देखो speed तो constant नहीं है. I can clearly see, एक का speed 3 है और दूसरे का speed 5 है. Although ये actual value नहीं है, but इसको देख के मैं compare तो कर पा रहा हूँ ना, कि अगर एक का speed 3 है तो दूसरे का 5 है, तो speed तो same नहीं है. और दूसरा, क्योंकि ये अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं जिसकी वजह से डिस्टेंस में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो डिस्टेंस भी कॉन्स्टेंट नहीं है. बोला क्या है, अगर तुम ढंग से रीड करोगे तो ये बोले कि सेम टाइम में एक डिफरेंस क्रिएट होता है दोनों डिस्टेंसेस में. क्यों? क्योंकि एक का स्पीड ज्यादा है और एक का स्पीड कम है. तो वेरिएबल जो कॉन्स्टेंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो है टाइम. और जब टाइम कॉन्स्टेंट होता है तो डिस्टेंस और स्पीड का क्या रिलेशन है? यू वुड से सर डिस्टेंस एंड स्पीड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था. अच्छा, क्योंकि डिस्टेंस एंड स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उनके रेशियोज भी सेम तरीके से बिहेव करेंगे, मतलब वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे. मेरे पास किसका रेशियो है? तुम बोलोगे सर हमारे पास स्पीड का रेशियो है. और स्पीड का रेशियो देख के अब मैं डिस्टेंस का रेशियो भी लिख सकता हूं. क्यों? क्योंकि स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उनके रेशियोज भी सेम तरीके से बिहेव करेंगे. तो डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली सेम 3:5. इट मींस अगर स्लोअर बॉडी ने 3x अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल किया तो सेम टाइम में जो फास्टर बॉडी है इट वुड कवर 5x अमाउंट ऑफ डिस्टेंस. अगर मैं तुमसे पूछूं कि 15 किलोमीटर क्या है तो तुम बोलोगे सर 15 किलोमीटर डिफरेंस है इन दोनों के डिस्टेंस का. अच्छा, अगर मैं इस रेशियो की वैल्यूज को देख के तुमसे पूछूं कि फास्टर बॉडी ने स्लोअर बॉडी के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया या इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस का डिफरेंस है, तुम बोलोगे सर 2x का डिफरेंस है. और यही 2x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज हाउ मच इट इज 15 किलोमीटर. तो मैं इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख सकता हूं. एंड नाउ फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, दैट वुड बी 7.5 किलोमीटर. सिंपली 15/2 7.5. अच्छा, what we have to calculate, we have to calculate the distance covered by slower body. The distance covered by slower body is 3x, you know, slower body ka distance kitna hai 3x. So simply calculate the value of 3x, you would be able to get your answer. Simply multiply 3 with 7.5, you'll be able to get the answer of your question is 22.5 kilometers. Again an easy question. Once you realize that time is constant, जैसे हमको समझ में आएगा कि यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है तो इस क्वेश्चन का आंसर करना मेरे लिए काफी इजी है. स्पीड का रेशियो है उसको देख के हम डिस्टेंस का रेशियो जनरेट कर सकते हैं और डिस्टेंस का रेशियो देख के मैं अज्यूम कर सकता हूं मुझे क्वेश्चन में एक्चुअल में डिस्टेंस का डिफरेंस बताया हुआ है और हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना है 2x. इन दोनों को कंपेयर करो, गेट द वैल्यू ऑफ x एंड देन फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्लोअर बॉडी. ठीक है, बहुत इजी है. ओके, लेट मी शो यू वन मोर क्वेश्चन. Two trains start from A and B and travel toward A and B respectively. Their speeds are 80 and 95 km per hour respectively. When they meet, it is found that one train has traveled 165 km more than the other. What is the distance AB? Let me first show you what data we are given with. And to explain the situation, let me create a small diagram for you. जिसको देख के तुम समझ पाओगे कि पूरा सिचुएशन है क्या. दो ट्रेन्स हैं, वो अलग अलग पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं. एक ट्रेन चलती है पॉइंट ए से, दूसरी ट्रेन चलती है पॉइंट बी से. लेट मी कॉल द फर्स्ट ट्रेन एज ट्रेन वन एंड द सेकंड वन एज ट्रेन टू.
जो ट्रेन ए से चल रही है वो बी की ओर चलती है, और जो पॉइंट बी से चलती है वो पॉइंट ए की तरफ चलती है। मुझे दोनों ट्रेन्स का स्पीड बताया गया है। ट्रेन वन का स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, वाइल द स्पीड ऑफ अदर ट्रेन इज 95 किलोमीटर पर आवर। नाउ इफ यू रीड दिस स्टेटमेंट, इट सेज व्हेन दे मीट इट इज फाउंड दैट वन ट्रेन हैज ट्रेवल्ड 165 किलोमीटर मोर देन द अदर। तो जब ये एक मीटिंग पॉइंट पे मिलते हैं, है ना, लेट्स से ये यहां कहीं मिलते हैं, ठीक है, यहां कहीं। तुम में से अगर कोई ये सोच रहा है कि सर आपने मीटिंग पॉइंट को पॉइंट ए के क्लोज क्यों दिखाया, इस मीटिंग पॉइंट को पॉइंट ए के क्लोज क्यों दिखाया, क्योंकि ट्रेन टू का स्पीड ट्रेन वन के कंपैरिजन में ज्यादा है, और क्योंकि कुछ नहीं लिखा, सो आई एम अज्यूमिंग कि ट्रेन वन और ट्रेन टू ने अपने अपने रिस्पेक्टिव पोजिशन से सेम टाइम पे चलना स्टार्ट किया। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, हाइपोथेटिकली इफ आई से कि पॉइंट ए से जो ट्रेन चलती है वो 9 बजे चलती है, एंड पॉइंट बी से जो ट्रेन चलती है वो भी 9 o'clock पे चल रही है, तो दोनों ने सेम टाइम पे अपने अपने रिस्पेक्टिव पोजीशंस को छोड़ा, लेकिन क्योंकि ट्रेन टू का स्पीड 95 किलोमीटर पर आवर है तो ट्रेन टू ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ट्रेन वन के कंपैरिजन में, क्योंकि ट्रेन टू का स्पीड ट्रेन वन के स्पीड से ज्यादा है। इस बात को क्या हम समझ पा रहे हैं, ट्रेन टू की स्पीड 95 किलोमीटर पर आवर है, ट्रेन वन की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। Although they both have left their respective points at the same time, train 1 and train 2 ने A और B points को same time पे leap किया, लेकिन क्योंकि train 2 का speed ज्यादा है train 1 के comparison में, तो train 2 ज्यादा distance travel करेगा as compared to train 1. इसीलिए मैंने meeting point को point A के ज्यादा close दिखाया। I hope you were able to understand. और मैं बोलूंगा कि इस point पे आके ये मिले, और जब ये इस point पे आके मिले तो हमने क्या realize किया कि एक ट्रेन ने दूसरे ट्रेन के कंपैरिजन में 165 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। ऑब्वियसली वो ट्रेन हमारे लिए ट्रेन टू होगी, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें क्या समझना है, जितने टाइम में ट्रेन वन ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया सेम टाइम में ट्रेन टू ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो जो चीज कॉन्स्टेंट है ना यहाँ पे वो क्या है, टाइम, टाइम ऑफ ट्रेवलिंग, टाइम ड्यूरेशन। जितने टाइम में ट्रेन टू ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया उतने ही टाइम में ट्रेन वन ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो कांस्टेंट क्या है हमारे क्वेश्चन के लिए, टाइम कांस्टेंट है। और जब टाइम कांस्टेंट है, लेट मी फर्स्ट राइट डाउन द थ्री वेरिएबल्स, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। नाउ टेल मी वन थिंग, अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और स्पीड में क्या रिलेशन है। तुम बोलोगे सर डिस्टेंस और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर मैं इन दोनों में से किसी एक का भी रेशियो डिफाइन कर पाया तो मैं दूसरे का रेशियो बड़ा आराम से लिख सकता हूं, वो बिल्कुल सेम होगा, इक्वल होगा। हम किसका रेशियो लिख सकते हैं, हमको स्पीड्स का वैल्यू पता है। एक बार ध्यान से देखना, हमको स्पीड्स के वैल्यू पता है, तो स्पीड के वैल्यूज को देख के व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट डाउन द रेशियोज ऑफ स्पीड। अच्छा, अगर मैं स्पीड का रेशियो लिखूं तो क्या निकल के आएगा, देखो स्पीड फॉर द टू ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन वन इज 80, स्पीड ऑफ ट्रेन टू इज 95। एंड नाउ लेट मी फाइंड आउट द रेशियो। रेशियो में क्या होता है, कॉमन वैल्यूज हट जाएंगी, तो 5 times 16 एंड 5 times 19, तो स्पीड का रेशियो क्या आया, 16:19। और क्योंकि टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो इक्वल होगा, तो डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो स्पीड का रेशियो है। और इसको देख के नाउ आई कैन डिफाइन कि अगर ट्रेन वन ने 16x डिस्टेंस कवर किया तो सेम टाइम में ट्रेन टू ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तुम बोलोगे सर 19x, ट्रेन टू कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 19x। अच्छा, इन दोनों को कंपेयर करो और मुझे बताओ कि ट्रेन टू ट्रेन वन के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तुम बोलोगे सर 3x। इफ आई सिंपली फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 19x एंड 16x, 19x माइनस 16x वुड गिव यू 3x। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ट्रेन टू ट्रेन वन के कंपेरिजन में 3x डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करता है, और यही 3x का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज 165 किलोमीटर। और जैसे ही मैंने ये किया, नाउ आई कैन वेरी इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, इट वुड बी 165/3। व्हाट इज 165/3, यू वुड से सर इट इज 55 किलोमीटर्स। और जैसे ही तुम्हारे पास एक्स का वैल्यू आया, नाउ इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ए बी, मुझको यहां से लेके यहां तक का टोटल डिस्टेंस बताना है। ठीक, सिंपल सी बात मुझे बताना कि ट्रेन वन ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया था और रेशियो के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस कितना है, 16x। ट्रेन टू ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया था
और रेशियो के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस कितना है 19x। तो क्या तुम मुझे टोटल डिस्टेंस बता सकते हो इन टर्म्स ऑफ रेशियो? तुम बोलोगे सर सिंपली एड द टू नंबर्स 16x एंड 19x, द टोटल डिस्टेंस एज पर द अज्यूम्ड वैल्यू इज गोइंग टू बी 35x। इफ समहाउ यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज 35x, यू वुड बी एबल टू गेट योर आंसर। तो 35x का वैल्यू इज 55। यही सिंपल सा कैलकुलेशन मुझे करना है और बहुत इजीली मैं अब आंसर कैलकुलेट कर सकता हूं। अब देखो इस कैलकुलेशन को करना एक्चुअल में बहुत इजी है। ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू ब्रेक 55 इन दिस फॉर्म 50 + 5। देखो कितना आसान हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुमको 35 × 100 टाइम्स आता है कि कितना होता है? तुम बोलोगे बहुत इजी है, 35 × 100 मतलब 3500। अगर 35 × 100 3500 होता है तो क्या तुमको 3500 का हाफ करना आता है? तुम बोलोगे बहुत इजी है, ये कितना है 1750। और ये जो 1750 आया है ना, ये कुछ नहीं है 35 × 50 है। तो 35 × 50 का आंसर कितना आया? यू वुड से सर ये आया है 1750। अगर किसी नंबर का 50 times 1750 होता है तो उसी नंबर का 5 times कितना होगा? तुम बोलोगे सर एक जीरो हटा दो बस, इट मींस जस्ट राइट डाउन 175। एंड नाउ इफ यू एड द टू वैल्यूज यू वुड बी एबल टू गेट योर आंसर इज 1925 किलोमीटर। और यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है, क्या 1925 किलोमीटर। सो आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। तो देखो एग्जामिनेशन के टाइम में मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा, मैं सिंपली ये डेटा लिखूंगा, यहां पे कंपैरिजन करूंगा और इनको एक दूसरे के इक्वल रख लूंगा, एक्स का वैल्यू निकालूंगा एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 35x। इतना ही करना है और बस बहुत इजिली प्रोपोर्शनैलिटी का यूज करके आई कैन आंसर माई क्वेश्चन। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, नाउ आई वॉन्ट टू डिस्कस वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडेज लेक्चर। प्लीज read this question carefully. Walking at 3/5 of my normal speed, I am late in reaching office by 20 minutes. What is my normal travel time and how much time did I take today? Now it's a nothing question. Please see what we are given with. Before I tell you how to approach this question, can you first identify out of the three variables, distance, speed and time, in mein se kaun sa variable constant hai? Tum bologe, sir, is question mein distance constant hai. क्यों? क्योंकि मैं अपनी स्पीड को चेंज कर रहा हूं, इसकी वजह से आज मुझे टाइम ज्यादा लग रहा है। तो ना ही स्पीड कांस्टेंट है ना ही टाइम कांस्टेंट है, और आज भी मैं अपने ऑफिस ही जा रहा हूं तो मैं डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा हूं, आज भी मैं उतनी ही जर्नी ट्रेवल करूंगा। इट जस्ट दैट कि मैं आज अपनी स्पीड को कम या ज्यादा कर रहा हूं, उसकी वजह से आज मुझको टाइम कम या ज्यादा लगेगा। तो जो चीज कांस्टेंट है वो क्या है? डिस्टेंस। और जब जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, वी नो हाउ स्पीड एंड टाइम बिहेव्स, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे पास स्पीड के लिए डेटा है कि आज मैंने अपनी स्पीड को 3/5 कर दिया है, 3/5 ऑफ माय नॉर्मल स्पीड। सो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी मेंटेन अ टेबल, ठीक है, जहां पे मैं स्पीड का वैल्यू लिखूंगा फॉर इनिशियल टू फाइनल। क्या मेरे को स्पीड का कोई वैल्यू पता है? नहीं पता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी ये स्पीड है ना, उसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? उस स्पीड को मुझे मल्टीप्लाई करना है 3/5 से। क्यों? कि डेटा में गिवन है ना कि आज मैंने अपनी स्पीड को 3/5 कर दिया ऑफ नॉर्मल स्पीड। तो क्यों ना मैं यहां पे एक ऐसा नंबर अज्यूम कर लूं इनिशियल स्पीड का जो 3/5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, इनफैक्ट एक ऐसा नंबर जो 5 से डिवाइड हो जाए, सबसे छोटा नंबर जो 5 से डिवाइड होता है। तुम बोलोगे सर वो नंबर 5 ही है। नाउ व्हाट वुड बी 3/5 ऑफ 5? यू विल से सर 3। और अगर तुम अब रेशियो निकालोगे, रेशियो वुड रिमेन सेम 5:3, ये पहले से सिंप्लीफाइड है। अगर स्पीड का रेशियो 5:3 है तो फिर टाइम का रेशियो क्या होगा? इट्स वेरी इजी। सो लुकिंग एट द रेशियो स्पीड, नाउ आई कैन वेरी इजीली राइट डाउन द रेशियो फॉर टाइम, वुड बी सिंपली इनवर्स्ड 3:5। अब देखो काफी इजी हो गया। पहले मैं कितना टाइम लेता था नॉर्मल स्पीड में? 3x अमाउंट ऑफ टाइम। और क्योंकि आज मैंने स्पीड को कम कर दिया है तो आज मैंने कितना टाइम लिया? 5x। और इसी वजह से आज मैं लेट हो रहा हूं। गाइस, जब भी क्वेश्चन में तुमको ऐसे वर्ड्स दिखें जहां पे लेट या अर्ली लिखा है, इसका मतलब उन्होंने तुमको टाइम डिफरेंस दिया हुआ है। मैं दो टाइम को कंपेयर करके ही तो बताऊंगा ना कि आज मैं लेट हुआ या मैं जल्दी पहुंचा। तो हम कितने से लेट हुए? 20 मिनट से। लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग हमने आज कितना टाइम एक्स्ट्रा लिया? टाइम एक्स्ट्रा लेने का मतलब मैं लेट हुआ। कितने से लेट हुआ? बाय 2x।
बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस 2x का वैल्यू कितना है 20 मिनट्स, और अब इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट करना इज अ नथिंग डील। तुम बोलोगे x का वैल्यू 10 मिनट्स, बट आई वांट टू कैलकुलेट, आई वांट टू फाइंड द नॉर्मल ट्रेवल टाइम। नॉर्मल ट्रेवल टाइम मींस इनिशियल टाइम, द टाइम व्हिच आई यूज्ड टू टेक 3x। नॉर्मल ट्रेवल टाइम वॉज 3x, सिंपली प्लग इन द वैल्यू ऑफ x दैट इज 10, द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट वुड बी 30 मिनट्स। What will the answer of second part? How much time did I take today? Today I took 5x amount of time. So simply calculate what is 5x. If x is 10, simply plug in the value. You would be able to get the answer as 50 minutes. So this is how easily you can, you know, answer your questions if you use proportionality in the right manner. So with this, we have come to the end of the second lecture. I hope you were able to understand everything, whatever we have discussed. In case you have any doubts, please write down your doubts in the comment box. And a request, if you have enjoyed the session, please like, share and subscribe. Thank you and have a nice day.